तो गाइस ये है मेरे पास Vivo V27 Pro 5G और आज हम करेंगे दोस्तों इसका कैमरा टेस्ट। और एवरी लाइटिंग कंडीशन के अंदर दोस्तों मैंने इसके कैमरे को दोस्तों टेस्ट किया है। और नॉर्मली यूजर को दोस्तों मैंने ये फोन दे दिया था कि नाइट फोटोग्राफी दोस्तों आप करोगे, और जब आप फोन लेने जाते हो ना शॉप के अंदर किस तरीके की दोस्तों आपको लाइटिंग्स देखने के लिए मिलती है, तो वो फोटोग्राफी भी दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर देना। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैमरे सेटअप की। तो कैमरा दोस्तों बैक में आपको 50 मेगापिक्सल विद सोनी IMX766 विद OIS के साथ इसका बैक कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिलेगा। एंड फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे से दोस्तों मैंने एक वीडियो शूट किया है, तो इसे भी आप दोस्तों देख सकते हैं। गाइस अभी मैं हूं डेलाइट कंडीशन में और ये इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है। ये जो वीडियो शूट हो रहा है 4K 60 FPS पे शूट हो रहा है। क्लियरिटी दोस्तों आप देख सकते हैं काफी एक तरीके से बेटर आपको डिटेल्स देखने के लिए इसमें मिल जाती है। बाकी आप मुझे दोस्तों कमेंट्स करके बताना इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको कैसा लगा। और गाइस वही ये पिक्चर है जो कि मैंने इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे से कैप्चर की है। फेस के अंदर दोस्तों आप कलर टोन देख सकते हैं, आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल जाती है। एकदम नेचुरल टाइप की दोस्तों स्किन आपको देखने के लिए मिल जाती है, एंड डिटेल्स भी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये पिक्चर है जो कि मैंने पोर्ट्रेट्स मोड के साथ दोस्तों कैप्चर की है। तो पोर्ट्रेट्स मोड के अंदर नो डाउट आपको डिटेल्स दोस्तों बेटर देखने के लिए मिल रही है। कलर टोन दोस्तों फेस की काफी एक तरीके से बेटर है। लेकिन अगर एज डिटेक्शन की दोस्तों बात करें तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाता है। प्रीवियस जनरेशन दोस्तों Vivo V25 की जब मैंने दोस्तों वीडियो बनाई थी तो वहां पर भी ये हमें इशू देखने के लिए मिले थे, जो कि Vivo ने दोस्तों अभी तक फिक्स नहीं किए। इसी के साथ साथ ये एक और पिक्चर है और इस पिक्चर्स में भी दोस्तों आप देख सकते हैं नो डाउट पिक्चर आपको बेटर देखने के लिए मिल जाती है गाइस। इसी के साथ साथ ये इसका पोर्ट्रेट्स मोड है, तो पोर्ट्रेट्स मोड नो डाउट दोस्तों वैसे आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों Vivo का भी थोड़ा सा दोस्तों वर्क करने की जरूरत है। अगर ये एज डिटेक्शन को थोड़ा सा दोस्तों अगर फिक्स करना तो दोस्तों पिक्चर्स क्वालिटी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बेटर है इसकी। और गाइस वही ये पिक्चर है जो कि सन की एकदम मैंने अगेंस्ट कैप्चर की है। सन की लाइटिंग को ये एक तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, फेस के अंदर डिटेल्स आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, ओवरऑल दोस्तों पिक्चर्स अच्छी है। तो जैसे ही हम पोर्ट्रेट्स मोड पर आते हैं तो यहाँ दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं एज डिटेक्शन एक तरीके से इसका बहुत ही बेकार आपको देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरे के अंदर। और गाइस वही ये वीडियो जो कि अल्ट्रा HD 4K 60 FPS पे दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, और अभी दोस्तों आप क्लियरिटी डिटेल्स आप देख सकते हैं बेटर आपको देखने के लिए नो डाउट मिल जाती है। लेकिन मैं आपको इसका OIS यानी स्टेबलाइजेशन भी दोस्तों आपको टेस्ट कराऊंगा। और ये देखो मैंने टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, स्टेबलाइजेशन नो डाउट दोस्तों आपको काफी इसमें बेटर देखने के लिए मिल जाती है। और वही दोस्तों ये रियर कैमरे से मैंने कुछ पिक्चर्स कैप्चर किए हैं जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, तो नो डाउट दोस्तों पिक्चर्स आपको ये बेटर देखने के लिए मिल जाती है। और जैसे ही दोस्तों ये स्किन टोन आती है, ह्यूमन स्किन टोन आती है, और आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें भी दोस्तों आपको क्लियरिटी डिटेल्स एंड कलर टोन दोस्तों आपको काफ़ी बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये 2x का रिजल्ट है, तो 2x में भी आपको क्लियरिटी काफ़ी एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाती है। और ये पिक्चर है जो कि मैंने सन के एकदम अगेंस्ट दोस्तों कैप्चर की है, और इसने भी दोस्तों लाइटिंग को एक तरीके से अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया। तो HDR दोस्तों सही में दोस्तों इसका बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। इसी के साथ साथ ये इसका पोर्ट्रेट्स मोड है, तो नो डाउट दोस्तों बैक में दोस्तों पोर्ट्रेट्स मोड आपको काफी बेटर देखने के लिए इसमें मिल जाता है गाइस। और वहीं एक और पोर्ट्रेट्स मोड है जो कि सन के एकदम मैंने अगेंस्ट दोस्तों कैप्चर किया है। फेस की दोस्तों इसमें भी आपको डिटेल्स बेटर देखने के लिए मिल रही है, एंड डायनेमिक रेंज को दोस्तों ये काफी अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सन की लाइटिंग दोस्तों फेस पे पड़ रही है उसे काफी अच्छे तरीके से इसने मैनेज कर लिया, और पोर्ट्रेट मोड भी आपको बेटर देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये एक और पिक्चर है, और यहाँ दोस्तों मैंने डायनेमिक रेंज दोस्तों कैप्चर करने की कोशिश की है, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सन की डिटेल्स भी दोस्तों आपको बेटर देखने के लिए मिल जाती है, और पिक्चर्स नो डाउट आपको बेटर देखने के लिए मिल जाती है। तो डायनेमिक रेंज को भी एक तरीके से बेटर तरीके से कैप्चर कर लेता है। इसी के साथ साथ इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, तो ये एक नॉर्मल पिक्चर है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ। और गाइस वही ये वीडियो जो कि इसका पोर्ट्रेट वीडियो है दोस्तों, जब आप शॉप में फोन परचेज करने जाते हैं तो दोस्तों इस तरीके की आपको क्लियरिटी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन इसका एज डिटेक्शन दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेकार है, और फोकस एक तरीके से बहुत ही बेकार करता है ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर। और गाइस ये इनका रियर कैमरे का रिजल्ट है दोस्तों शॉप के अंदर। तो ये शॉप के अंदर जो लड़के थे दोस्तों, मैंने उन्हें फोन दे दिया कि आप अपने तरीके से फोटोग्राफी करो जिस तरीके की आप फोटोग्राफी करते हैं। तो पहले तो दोस्तों उन्होंने फुल फ्रेम कर दिया जैसा कि
करके आप देख सकते हैं, लेकिन नो डाउट दोस्तों पिक्चर क्वालिटी आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल जाती है। एंड ये एक और पिक्चर है, तो यहाँ पर भी दोस्तों लाइटिंग को काफी अच्छे तरीके से दोस्तों मैनेज कर रहा है। एंड स्किन टोन दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ी सी दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्मूथ कर रहा है। और वही ये एक और पिक्चर है, तो ये पिक्चर्स भी दोस्तों आपको काफी बेटर देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि शॉप के अंदर लाइटिंग दोस्तों काफी एक तरीके से ज्यादा होती है, तो कैमरे एक तरीके से इस तरीके की पिक्चर्स दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं। और गाइज वहीं इसमें आपको कुछ यूनिक पोर्ट्रेट्स मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो जैसा कि गाइज आप देख भी सकते हैं, तो इस तरीके के दोस्तों आपको पोर्ट्रेट्स मोड ये देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन जब आप दोस्तों लो लाइट कंडीशन के अंदर जब आप जाते हैं, तो किस तरीके की आपको पिक्चर्स क्वालिटी देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये नॉर्मल यूजर को मैंने फोन दे रखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियरिटी आपको एक तरीके से काफी बेटर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और वैसे भी दोस्तों सोनी IMX766 जो इसमें वी लगा हुआ प्रोसेसर दोस्तों V4 दोस्तों वीवो यानी वीवो ने दोस्तों अपनी कस्टमाइजेशन की है, जिसका रिजल्ट दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो नो डाउट दोस्तों पिक्चर्स आपको लो लाइट कंडीशन की काफी एक तरीके से बेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कैसा लगा गाइस ये आपको वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आगे भी दोस्तों मैं इसके कैमरा कंपैरिजन लेकर आने वाला हूं। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।